अच्छा जी, ये तो मेरे ख्याल से स्ट्रीमिंग ऑन नहीं हुई है, ये तो रिमाइंडर चला गया है या ऑन हो गई है? ऑन हो गई आई गेस, लेट्स सी वी हैव एनीबडी विद अस। ऑलराइट, ओके, वी हैव टू गाइस राइट नाउ। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे। दोस्तों, वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है काइंडली मुझे बता दें। वीडियो आई नो थोड़ी सी डिम आ रही होगी, कमरे में मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो लाइटिंग ज़रा सही नहीं है, सो बट स्टिल थोड़ा सा गुजारा कर लें। ऑडियो आई होप सही होगी, माइक वाइक मैंने लगाया हुआ है और सारी चीज़ें सेट हैं आई गेस। तो मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, कौन कौन हमारे साथ इस वक्त चैट में शामिल है, फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी बातचीत है आज करते हैं। ऑलराइट, रोमन रेंस, हाय हाय, हाउ आर यू? अच्छा जी, तो दोस्तों आज कुछ अनाउंसमेंट्स हैं चैनल के हवाले से, एक आध गुड न्यूज़ है जिसका मुझे काफ़ी अरसे से इंतज़ार था अनाउंस करने के लिए आप लोगों को, और एक दो मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा भी था उस हवाले से, फिक्र थी उनको। खैर, पहली चीज़ आप लोगों को पता होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं कि चैनल की दो महीने डेढ़ महीने पहले मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गई थी, जो कि अल्लाह का शुक्र है अब इनेबल हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से बीच में मैं और भी कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने चैनल के ऊपर काम छोड़ दिया था, मंडी वगैरह विज़िट करना छोड़ दिया था, लेकिन अब एक दो दिन से स्टार्ट हो चुकी है तो मैं इंशाल्लाह मंडियां विज़िट करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहली अनाउंसमेंट तो ये हो गई। तो कल ही इंशाल्लाह, कल इतवार है और लालूखेत बकरा मंडी लगती है, मेरे घर से ज़रा करीब है, तो मैं वहाँ पर जो है वो इंशाल्लाह जाने वाला हूँ। आप लोगों में से कोई मिलने आना चाहता है या किसी ने परचेजिंग करनी है तो बेस्ट हो जाएगा, वहाँ पर आप लोग बाय फेस मुझे जानते हैं, मैं इंशाल्लाह दोपहर में 3-4 बजे तक जाऊँगा। बाकी अगर किसी को आना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट करके मुझसे मेरा नंबर ले ले, मैं नंबर दे दूँगा इंशाल्लाह, फिर साथ वहाँ पर पूरी शूटिंग भी करेंगे और इंशाल्लाह फिर आप मेरे चैनल के ऊपर भी आ जाएंगे। अच्छा, आप लोगों के ज़रा कमेंट्स पढ़ लेता हूँ मैं, कमेंट्स आ रहे हैं। उज़ैर सेज़ हाय, हेलो। मुकम्मल हुसैन सेज़ अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। उज़ैर आरिफ, वालेकुम अस्सलाम। भाई अर्निंग होती है YT से? रोमन रेंस आस्क्स, हाँ जी अर्निंग होती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करते रहेंगे, वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपको अर्निंग भी होगी, ठीक है। लेकिन मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको फुल पैशन है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके इतना इंटरेस्ट है कि वो चीज़ आपको रोक नहीं सकती किसी भी काम से, तो फिर आप YouTube या किसी भी वेबसाइट से अगर आप अर्निंग करना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर जाएं, वरना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम हसनैन खान। मुकम्मल हुसैन सेज़ आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा, मुझे दो मिनट दे दें, मैं जो चीज़ें बातें करनी हैं वो मैं अपनी कर लूँ, उसके बाद आप लोग के इंशाल्लाह कमेंट्स जो है वो उनके रिप्लाई भी साथ साथ करता रहूँगा। तो पहली चीज़ मैं आपको बता रहा था, मेरी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गई थी, स्ट्राइक आ गई थी चैनल के ऊपर, मैंने यूट्यूब के एम्प्लॉय से चैट वगैरह करके सारी चीज़ें सॉल्व करवा ली, डेढ़ महीने लगा इन सारी चीज़ों के अंदर, उनकी इंटरनल टीम ने रिव्यू किया, चेक किया कि फेक रिपोर्ट किया गया था, फेक स्ट्राइक्स थी वो, तो वो रिमूव कर दी और फाइनली मेरी 2-3 दिन पहले मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि अनाउंसमेंट मंडियों के हवाले से, तो मंडी इंशाल्लाह मैं कल ही स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी हफ्ते मेरी मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुई है, तो मैं कल ही लालूखेत बकरा मंडी जाऊँगा, वहाँ पर कुछ बैल भी आते हैं, बहुत कम होते हैं, 4-5 होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बकरे ज़्यादातर होते हैं, तो आप में से जो जो बकरों की डिमांड है, कौन से बकरे आप लोग को, मतलब कुछ लोग कहते हैं टेडी बकरों की ज़्यादा बनाओ, कुछ कहते हैं गुलाबियों की ज़्यादा बनाओ, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। अगेन, किसी को मीटअप करना है कल, मीटअप करने के लिए मुझसे आ सकता है। और ये हो गई,
तीसरी अनाउंसमेंट, एक दो सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि जो है सिल्वर प्ले बटन मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारे मोर देन 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 1,45,000 हो चुके हैं अब तक, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अभी तक जो है वो सिल्वर प्ले बटन जो यूट्यूब की तरफ से एक अवार्ड मिलता है वो क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो उसकी वजह मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी। नॉर्मली होता ही है कि आपको जो डैशबोर्ड होता है आपके उसका क्रिएटर स्टूडियो का, उसके अंदर आ जाता है लिंक कि आप यहाँ से अप्लाई करें आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे मिला नहीं। फिर जब मेरी मोनेटाइजेशन का मसला हल हुआ तो जिस बंदे से मेरी चैट चल रही थी यूट्यूब एम्प्लॉय से, उसको मैंने अभी ईमेल किया इस हवाले से, तो उसने बोला सॉरी हमारा मतलब हमने आपको डायरेक्टली नहीं बताया, अब मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ। उसने मुझे लिंक दिया, उसके बारे में ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा कि कैसे रिडीम करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, तो इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के अंदर सिल्वर प्ले बटन भी आ जाएगा, जो कि मेरी मेहनत और आप लोग की सपोर्ट के वजह से मिला है, उसके अलावा ये मुमकिन नहीं था। आप लोगों ने सपोर्ट किया, साथ में मैंने मेहनत करी, तो अल्लाह का शुक्र है। तो वो इंशाल्लाह जैसे ही आएगा उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, वो आपको दिखाऊँगा, सिल्वर प्ले बटन मिलने वाला है। अच्छा जी, इसके बाद तीसरी बात, अगर आप कोई फार्म ओनर हैं, ठीक है, आपने छोटा मोटा सेटअप डाला हुआ है, मेरे एक दो सब्सक्राइबर्स हैं जो फार्म ओन करते हैं, मोहम्मद एहसन वगैरह मलीर में उनका फार्म है, और आप चाह रहे हो कि मैं आपका फार्म कवर करूं, क्योंकि इस वक्त गाय मंडियां तो बहुत कम है कराची के अंदर, ठीक है, कराची में रहते हो आप, फार्म ओनर हो, आप चाह रहे हो मैं आपका फार्म कवर करूँ, आपको अपने जानवर बिकवाने हैं, एनी थिंग लाइक दैट, कवर करवाना है, ठीक है, तो वीडियो शूटिंग वगैरह, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, तो इंशाल्लाह मैं आपके फॉर्म विज़िट करूंगा और इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो शूटिंग करेंगे, चैनल के ऊपर डालेंगे, ठीक है। आप अगर कोई इंडिविजुअल हो, पाकिस्तान भर से कहीं से भी हो, और आप ख़ुद वीडियो बना सकते हो, अपना जानवर आपने सेल करवाना है, तो आप वो भी मुझे वीडियो शूट करके सेंड कर सकते हो। अगेन कमेंट करके मेरा नंबर ले लेना, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ मुझे सेंड कर सकते हो, आपके नाम और डिटेल्स के साथ मैं आपकी वीडियो चैनल पर पब्लिश कर दूंगा, जैसे मैंने कल करी थी और आज भी करी है ब्राह्मण बुल्स की, अगर आपने नहीं देखी हो तो वो देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से कराची में ही है वो, 2-3 ब्राह्मण बुल्स हैं, बच्चे हैं 5-8 महीने के, फॉर सेल, ठीक है। चौथी चीज़, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे जब मैं लाइव आता हूँ तो वो कहते हैं कि भाई हमें शाउट आउट दें, हमारा नाम लें, तो नाम तो मैं आप लोग का सबके ही नाम लेके जो है वो पढ़ता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, जो मैं आप लोग के एड्स डालूंगा, आप लोग की जो वीडियोस मैं प्रमोट करूंगा अपने चैनल के ऊपर फॉर सेल की, उसके मैं कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा हूं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट बिकॉज कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, उसका एक क्राइटेरिया ही है, कम से कम आपने 2-3 मिनट की वीडियो बनानी है यूट्यूब के ऊपर, 1-1.5 मिनट की वीडियो जो है वो YouTube उसको ज़्यादा आगे प्रमोट नहीं करता, तो आपका ही उसके अंदर नुकसान होगा। कम से कम 2-3 मिनट की वीडियो बनानी है, आपने अपने जानवर की सारी डिटेल्स उसके अंदर बतानी है, मेरा मतलब ये जानवर है, इसकी एज ये है, ब्रीड ये है, और कार्गो अगर आपका अवेलेबल है ओवरऑल दी पाकिस्तान के नहीं है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपने बताना है, सारी चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर दो तो मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा। रोमन रेंस पूछते हैं, अगली इंग्लिश की वीडियो कब आएगी, प्लीज़ टेल। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से जो मेरा दूसरा चैनल है रोमन रेंस स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू, उसके ऊपर मैं अभी यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग स्टॉप करके इंशाल्लाह अगली स्ट्रीमिंग में उसी के ऊपर जाने वाला हूँ, तो आपने अगर वो सब्सक्राइब किया हुआ है स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू तो आप वहाँ पर आ जाओ, तो आपको इंशाल्लाह मैं इसके बाद अगला सेशन वहाँ पर ही करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, तो शाउट आउट क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा था, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे शाउट आउट दो, शाउट आउट का मुझे समझ में नहीं आता क्या मतलब होता है आप लोगों का कहने का। शाउट आउट अगर आपको प्रमोट करना है आपके चैनल को एनालाइज करके लोगों को रेकमेंड करना है, जिसको इन अदर वर्ड्स कोलेबोरेशन भी कहते हैं, ठीक है, तो वो मैं उसके लिए मेरा एक क्राइटेरिया है, अगर वो आप कंडीशंस उसके ऊपर आपका चैनल और आप उतरते होगे पूरे, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इवन मुझे अपने जो मेरे रूटीन के सब्सक्राइबर्स हैं, एक्टिव सब्सक्राइबर्स, उनके नाम तक याद रहते हैं, हसनैन खान है, राजा इरफान है, मोहम्मद अली हैं, ये मतलब हर मेरी वीडियो के ऊपर ये लोग एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो मुझे इन लोग के नाम याद रहते हैं, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही दे दूँगा। लेकिन अगर आप इनएक्टिव हो तो पहली चीज़ तो आप एक्टिव हो जाओ मेरे चैनल के ऊपर, लाइक कमेंट्स वगैरह करो ताकि मुझे आपका नाम याद रहे, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं किसी भी ऐसे शख्स को शाउट आउट नहीं देता हूँ जो कि
इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी वीडियोज़ होती हैं वो अगेंस्ट होती हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है कुछ लोगों को चुभे, कुछ लोगों को समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरा चैनल रिव्यू करो, मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी वीडियो है उसके अंदर इस्लाम के अगेंस्ट जो इस्लाम में चीज़ें मना है वो चीज़ इस्तेमाल ना हुई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ना महरम यानी किसी लड़की की आपको वीडियो मेरे चैनल पर नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्लॉग शूट करते हुए भी कोई लड़की आ जाती है तो मैं उसको वीडियो के अंदर या तो वो सीन कट कर देता हूँ, अगर बहुत ज़रूरी सीन होता है तो वहाँ पर उस लड़की की मैं फेस जो है वो ब्लर कर देता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे हैं वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि सारी चीज़ें गुनाह की होती हैं, इस्लाम में मना है, ठीक है। अगर आपके चैनल के ऊपर ऐसा कंटेंट है जिसके अंदर आप महरम ना महरम का फ़र्क नहीं करते, लड़कियों की वीडियोस डालते हो, तो आई एम सॉरी, मैं आपके चैनल को प्रमोट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, मैं अपने चैनल के ऊपर म्यूज़िक यूज़ नहीं करता। आपने देखा होगा, अगर मैं कोई व्लॉग भी शूट कर रहा होता हूँ, कोई ट्रेलर भी बना रहा होता हूँ किसी वीडियो का, तो अरबिक नशीद जो होती हैं जिनमें आवाज़ से वोकल्स बनाए जाते हैं, जिसका उलमा ने जवाज़ दिया हुआ है, ठीक है, तो वो मैं यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ म्यूज़िक। तो अगर आपने अपने चैनल के ऊपर सॉन्ग्स डाले हुए हैं या म्यूज़िक डाली हुई है, कोई इस तरह से चीज़ें डाली हुई हैं, तो आई एम अगेन सॉरी, मैं आपके चैनल को प्रमोट नहीं कर सकता, ठीक है। ये दो तीन क्राइटेरियाज़ हैं जो कि मेरे अपने बनाए हुए नहीं हैं, हमारे रिलीजियस क्राइटेरियाज़ हैं, जिसको मैं कोशिश करता हूँ जितनी हद तक मुझसे हो सके फॉलो करने की। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपको प्रमोट करूँ तो आपका चैनल भी इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरना चाहिए, ठीक है। सॉरी, बीच में कुछ इंटरप्शन हो गई थी, मोबाइल हैंग हो रहा था मेरा, तो वीडियो स्ट्रीमिंग जो है वो बंद हो गई थी। अब मुझे बताएं ज़रा कमेंट करके, स्ट्रीमिंग चल रही है कि नहीं चल रही। रिज्यूम तो मैंने कर दी है, आप लोग को सही आ रही है देखने में कि नहीं आ रही? मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि स्ट्रीमिंग चल रही है या स्टिल बंद हो गई है। और जो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ काइंडली लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। देखता हूँ अगेन, मैं अपने पास से चेक कर लेता हूँ। सही है वीडियो, चलें शुक्र है, सही है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई, आपका मैं चैनल एनालाइज करूँगा, आप एक्टिव हो जाओ मेरे चैनल के ऊपर, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो चीज़ें, ठीक है। अच्छा होगा चैनल, मैं आपको आपके चैनल को आपके भूले बगैर प्रमोट करूँगा, लेकिन जो मैंने आपको क्राइटेरियाज़ बताएं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके होने चाहिए। आप म्यूज़िक यूज़ मत करो, किसी नामहरम की, किसी लड़की वगैरह की आप वीडियो या तस्वीरें मत डालो अपने कॉन्टेंट के अंदर। बस ये दो तीन क्राइटेरियाज़ हैं, इंशाल्लाह मैं आपके चैनल प्रमोट करूँगा। चौथी चीज़, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरा एक और चैनल है टेक न्यूज़ उर्दू, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स के अंदर दे दूंगा। उसके ऊपर भी अब मैं काम स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने आप लोग को पहले लाइव स्ट्रीमिंग में तकरीबन एक महीना पहले एडोब प्रीमियर प्रो जो कि वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा सिखाया था, एडोब फोटोशॉप थोड़ा सा सिखाया था, और कैमटासिया स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है उसकी बात बताई थी कि ये मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो ये आप लोग मुझे अभी कमेंट्स करके बता दो कि आप लोगों ने कौन सा सॉफ्टवेयर पहले सीखना है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कोई सा भी स्टार्ट कर सकता हूँ। आप लोग जो सा ज़्यादा सीखना चाहते हो बता दो। एडोब प्रीमियर प्रो कंप्यूटर एडिटिंग के अंदर, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। बेस्ट सॉफ्टवेयर्स के अंदर आता है वर्ल्ड वाइड, विंडोज़ के सॉफ्टवेयर्स के अंदर, और मैक के अंदर, आईपैड के अंदर जो है वो फाइनल कट प्रो यूज़ होता है ज़्यादातर। अच्छा, दूसरा एडोब फोटोशॉप आपको पता है, फोटोशॉप फोटो एडिटिंग वगैरह के लिए आता है, वो आपको सीखना है वो बता दो। तीसरा एक इजी सॉफ्टवेयर है, वो भी कंप्यूटर का है, कैमटासिया स्टूडियो, जो कि नॉर्मल यूट्यूबर्स का जितना काम होता है अगर आप एक यूट्यूबर हो, ठीक है, तो उसमें आपकी हिसाब की एडिटिंग हो जाएगी, उसमें ज़्यादा हाई लेवल की एडिटिंग नहीं होती, लेकिन नॉर्मल एडिटिंग आपकी आराम से कैमटासिया स्टूडियो के अंदर हो जाएगी। तो आपने कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है वो मुझे बता दो, इंशाल्लाह फिर मैं उसके ऊपर स्टार्ट करूँगा, आप कमेंट्स करके मुझे बताएं, ठीक है। पांचवी चीज़, YouTube
पर कैसे काम किया जाता है, वीडियोस कैसे प्रॉपरली अपलोड की जाती हैं, थंबनेल्स कैसे बनाए जाते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह कैसे लिखे जाते हैं, सारी चीज़ें इससे रिलेटेड अगर आप लोगों ने सीखना है, कितने लोगों ने सीखना है ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो। सारी चीज़ें मैंने प्लान की हुई है सिखाने के लिए, लेकिन मुझे बस ये चीज़ में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि पहले मैं कैसे स्टार्ट करूँ। तो ऑब्वियसली जिस चीज़ में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे मैं उसी चीज़ को कोशिश करूँगा कि पहले मैं वो स्टार्ट करूँ। अब जो है आप लोग अपने कमेंट्स करो, किसी ने कोई बात पूछनी है, कोई बात करनी है, आप लोग के कमेंट्स पढ़ूंगा, रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और जो जो मैंने आपसे बातें पूछी हैं मुझे आप लोग कमेंट करके बताते रहो। नाउ लेट्स सी हेयर। जी मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ मैं ये अपने 3-4 चैनल मैनेज कर रहा हूँ, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा टाइमिंग का इशू होता है, मसला होता है। आज सैटरडे है, ऑप्शनली मेरे सैटरडेज ऑफ होते हैं, इस सैटरडे ऑफ है तो हो सकता है अगले सैटरडे ऑन हो, वरना सिर्फ संडे को मेरा ऑफ होता है। जॉब मैं करता हूँ कॉल सेंटर के अंदर, जिसकी वजह से मेरी टाइमिंग भी रूटीन भी बहुत ऑफ है। तो टाइमिंग मेरी होती है शाम 6 बजे से रात 3-4 बजे तक होती है मेरी टाइमिंग। तो इस वजह से वीडियोज़ मैं एडिट करता हूँ आने के बाद, फजर से पहले या फजर के बाद मैं एडिट करता हूँ, और दोपहर में या शाम तक फिर वो मैं स्केजुअल कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाती हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग्स के लिए यही है कि एक सैटरडे या संडे का दिन मिलता है, इसलिए मैं आज जो है वो आप लोगों के साथ लाइव आ गया हूँ। और संडेज़ को ही फिर मैं कोई मंडी वगैरह विज़िट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अभी तो कल के लिए इंशाल्लाह लालूखेत बकरा मंडी का प्लान किया है। तो ये है। अच्छा जी, और किसी का कमेंट, अच्छा काइंडली 36 persons आर वॉचिंग द वीडियो राइट नाउ, काइंडली लाइक द वीडियो। अच्छा आज मैंने वीडियो डाली थी अपनी बकरीद का आखिरी व्लॉग जो था हमारा, जब हम जानवर ख़रीदने गए थे, किस किस ने वो वीडियो देख लिया ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, बड़ी ज़बरदस्त यादें हैं यार। और आगे भी फिर उसके बाद जब जानवर हमारा घर आ गया था अनलोडिंग के बाद, बहुत सारी वीडियोस शूट करी थी, आप लोगों ने बोला था कि अपने गली के सारे जानवर दिखाएं, वो भी शूट करी थी। और इससे पहले जो मेरा एक ट्रिप हुआ था मंडी में, एक ने भाई ने रिक्वेस्ट करी थी कि कैटल फॉर्म्स के जानवर दिखाएं, तो मैंने कैटल फॉर्म्स के जानवर भी सुरमा वाला वगैरह इन सबकी वीडियोज़ शूट करी थी। लेकिन अगेन जब मेरा जानवर आ गया था घर पर तो फिर मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, मैं ज़्यादा टाइम अपने जानवर के साथ स्पेंड कर रहा था। तो वो सारी वीडियोस रहती हैं, वो इंशाल्लाह आती रहेंगी, एडिट करता रहूँगा, ठीक है। अच्छा जी, तो दैट्स इट फॉर द डे, मैंने जो बात करनी थी वो हो गई है। आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं, किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो आप लोग राइट अवे कमेंट करके बताओ मुझे, मैं इंशाल्लाह आंसर करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगेन दो मेरे चैनल्स हैं, एक टेक न्यूज़ उर्दू है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो आप सब्सक्राइब कर लें, और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू वो सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है। सर आप पहले एडोब फोटोशॉप वगैरह सिखा दें। एडोब फोटोशॉप, ठीक है, मोहम्मद मुबीन कह रहे हैं कि आप पहले एडोब फोटोशॉप सिखा दें। एडोब फोटोशॉप सिखाता हूँ तो बहुत ईजी है, ठीक है। रोमन रिंस कह रहे हैं एडिटिंग में कितना टाइम लगता है। एडिटिंग में यार डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात एक एक हफ्ता भी लग जाता है, मेरी ऐसी ऐसी वीडियोस भी हैं जिसके ऊपर मुझे तकरीबन 1.5 महीने भी लगे, 1 से 1.5 महीना भी एडिट करने में लगे, यानी रोज़ाना एक एक दो दो घंटा थोड़े थोड़ी एडिट करी, क्योंकि साथ साथ उसमें क्लिप्स वगैरह जो हैं वो डाउनलोड करने थे, कुछ फाइंड करने थे, रिसर्च करनी थी, उस हवाले से कुछ एनिमेशन वगैरह बनाने थे, उसकी वजह से एडिटिंग के अंदर ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। इज़ गोट फार्मिंग प्रॉफिटेबल, ये मेरी एक वीडियो है, और एक और वीडियो है कैटल फार्मिंग के हवाले से, उसमें मैंने बताया कि गोट फार्मिंग प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो उसमें जो जो मेरे डायलॉग्स हैं उससे रिलेटेड मैंने क्लिप्स ढूंढे जो कि कॉपीराइटेड ना हो, ठीक है, और फिर वो मैंने क्लिप्स उसके अंदर लगाए, तो उसमें मुझे टाइम लगा। बाकी नॉर्मली कोई छोटी मोटी वीडियो हो, अगर जैसे 10 मिनट की है, मैंने वीडियो एडिट करनी है मंडी का कोई व्लॉग जो मैं मंडी के डालता था, तो 10-15 मिनट की वीडियो है तो उसमें नॉर्मली 1 से 1.5 घंटा लगता है, ठीक है, अगर अच्छे तरीके से जिस तरह से मैं एडिट करता हूँ ऐसे आपने एडिट करनी है। और फिर उसके बाद रेंडरिंग के अंदर आपके कंप्यूटर पर डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड कैसी है, रैम कितनी है आपकी, प्रोसेसर कैसा है, ज़्यादातर रैम पर डिपेंड करता है। तो फिर वो रेंडर होती है 1 घंटे में, आधे घंटे में, उसके बाद वो एडिट हो जाती है। अच्छा जी, बाबा साईं कहते हैं कि मैं लेट हो गया थोड़ा, वेट। अच्छा, तो बाबा साईं आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, 2-3 अनाउंसमेंट्स मैंने किए हैं, जब मैं एंड करूंगा सेशन तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा।
منظور عالم آسکس بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ میں کراچی سے ہوں سر. ویڈیو ایڈیٹنگ اور اس سے ریلیٹڈ جو سافٹ ویئر ہیں وہ بھی؟ بالکل, ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر میں نے آپ کو بتایا, دو سافٹ ویئرز ہیں, ایک کیمٹاسیا اسٹوڈیو جو کہ ایزی ہے لیکن اس میں زیادہ فنکشنلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, زیادہ آپشنس نہیں ہیں آپ کے پاس. لیکن اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں, چھوٹی موٹی ویڈیوز ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں, زیادہ پروفیشنلزم کی طرف نہیں جانا چاہ رہے, تو کیمٹاسیا اسٹوڈیو آسان بھی ہے, چھوٹا سافٹ ویئر بھی ہے, اور چلنے میں مطلب آپ کا اگر کمپیوٹر, ہائی اینڈ کمپیوٹر آپ کے پاس نہیں ہے, گرافک کارڈ وغیرہ نہیں ہے, تو تب بھی بڑا ایزیلی چل جائے گا. تو یہ سکھاؤں, یہی میں نے آپ لوگوں سے پوچھا ہے, یا پھر میں ایڈوب پریمیئر پرو جو کہ ہیوی سافٹ ویئر ہے اور پروفیشنل سافٹ ویئر ہے وہ سکھاؤں, یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کون سا آپ نے پہلے سیکھنا ہے. رومن رینز کہتے ہیں آپ شکل سے حافظ لگتے ہیں. انفارچونیٹلی میں حافظ نہیں ہوں, اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں حفظ کر لوں قرآن کا, ٹھیک ہے. اچھا جی, بابا سائیں جی, اوکے. حافظ مبین سیز تھینکس سر, ٹھیک ہے. امیمہ منصور نے ابھی جوائن کیا ہے آئی گیس. اچھا جی, حافظ قرآن میں نہیں ہوں لیکن بس اللہ کی توفیق سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ جتنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر سکوں اتنا کر سکوں اللہ کی توفیق سے, ٹھیک ہے. اور ویسے تو کوئی حافظ قرآن یا عالم نہیں ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کو فالو کروں, ٹھیک ہے. اچھا جی, لیٹس سی دی کامنٹس. آئی گیس اسٹریمنگ لمبی ہو گئی ہے, 20-21 منٹ ہو چکے ہیں, میں اسٹاپ کر رہا ہوں اب اسٹریمنگ, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو کوئی بات پوچھنی ہے تو جلدی جلدی پوچھ لو, پھر میں ایک آدھ منٹ میں اسٹریمنگ اسٹاپ کر رہا ہوں, کیونکہ اب دوسرا چینل ہے اسپوکن انگلش اینڈ اردو جس کے اوپر میں انگلش پڑھاتا ہوں, تو وہاں پر میں نے اب اسٹریمنگ اسٹارٹ کرنی ہے, وہاں موو کر رہا ہوں. تو کائنڈلی آپ لوگ جو ہے اگر جوائن کرنا چاہ رہے ہو تو اس چینل کے اوپر آ جاؤ, میں آپ کو لنک بھی دے دیتا ہوں ابھی ساتھ کے ساتھ ہی, اس کا لنک دے دیتا ہوں. جی اچھا, لنک ادھر سینڈ نہیں ہو رہا ایکچولی. ایس اسپوکن انگلش اینڈ اردو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اس میں کامنٹس کے اندر میں آپ کو دے دوں گا یہ ویڈیو اینڈ کرتے ہی. اور آپ فیس بک کے اوپر, سوری یوٹیوب کے اوپر اگر آپ سرچ کریں گے اسپوکن انگلش اینڈ اردو, یلو کلر کا لوگو ہے چینل کا, آپ کو مل جائے گا چینل آرام سے, ٹھیک ہے. سو دیٹس اٹ فار دا ڈے, آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو. اگین دوبارہ سے جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ان کو بتا دوں, کل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا لالو کھیت بکرا منڈی وزٹ کرنے کی, جس نے میٹ اپ کرنا ہے, میٹ مجھ سے ملاقات کرنی ہے وہاں پر آ جائے. رومن رینز کہتے ہیں آپ کوئی کیو این اے سیشن شروع کرو, ٹھیک ہے. کیو این اے سیشن میرا نہیں خیال لوگ اتنا زیادہ جاننا چاہ رہے ہیں, اگر جاننا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنے سوالات کرتے رہو, نیکسٹ لائیو اسٹریمنگ کے اندر آپ کو میں اس کے جوابات دوں گا. بابا سائیں کہتے ہیں بھائی ماشاء اللہ آپ کا بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہے, تھینک یو سو مچ, اللہ کا کرم ہے. جی سر میں میٹ کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ, کل ملتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ مجھ سے کامنٹ کر دیے گا اس ویڈیو کے بعد جب اینڈ ہو جائے, تو مجھ سے میرا واٹس ایپ نمبر لے لیے گا, پھر کل انشاءاللہ دوپہر میں 3-4 بجے تک میں وزٹ کروں گا, ہو سکتا ہے 12 سے 3-4 کے درمیان کسی بھی ٹائم جب جیسی میں اٹھتا ہوں تو انشاءاللہ وزٹ کروں گا, پھر وہاں پر ملاقات کرتے ہیں. اب میں موو کر رہا ہوں اپنے دوسرے چینل کے اوپر اسپوکن انگلش اینڈ اردو کے اوپر, جس نے وہ وہاں پر اسٹریمنگ جوائن کرنی ہے وہاں پر آ جائے. تھینک یو سو مچ, دیٹس اٹ فار دا ڈے, کائنڈلی لائک دا ویڈیو, لائک کر دیے گا ضرور جو لوگ ابھی آن لائن ہیں, اور جس نے مس کر دیا وہ ریکارڈیڈ ویڈیو دیکھ لیں. تھینک یو سو مچ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.